टॉपिक इज बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज स्पीड, नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड। बेटा हम जब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्ड करते हैं, जब हम लॉन्ग डिस्टेंस कोई ट्रेवल करते हैं तो हमारी स्पीड बार बार वेरी करती है। कभी हमारी स्पीड 50 होती है, कभी 80 हो जाते हैं, कभी सामने से कोई चीज़ आता है हम ब्रेक लगा देते हैं, फिर कभी 20, 30, 40 इंक्रीज करते हैं। उस केस में हम स्पीड नहीं निकालते, उस केस में हम क्या निकालते हैं, अपनी एवरेज स्पीड निकालते हैं। सो लेट इट बी, मैं यहाँ से कहीं दिल्ली जा रही हूँ, आगरा जा रही हूँ, तो उस केस में हम क्या निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एवरेज। सो व्हाट इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 200 किलोमीटर ट्रेवल किया यहाँ से दिल्ली की, 200 किलोमीटर और टाइम क्या लगा मुझे, 5 आवर्स। सो अगर मैं निकालूंगी अपनी स्पीड तो 40 किलोमीटर पर आवर, दिस इज एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम आपकी क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। क्या आ गई, एवरेज स्पीड। अगर समटाइम्स आपको एवरेज वेलोसिटी भी आ सकती है, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल वेलोसिटी आ गई ना तो इसका मतलब डायरेक्शन आएगी, तो फिर डिस्टेंस नहीं लिखना, डिस्प्लेसमेंट लिखना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम आ जाती है, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। एक एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है, आपको पता है, जो हमारी कोई बॉल है उसकी जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी जिससे मूव कर रहे थे उसे बोलते हैं शू, उसे क्या बोलते हैं, यू। अब उसकी बॉल की स्पीड इंक्रीज करती जाती है, जो उसकी बाद में वेलोसिटी होती है उसे बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू। सो कितने फॉर्मूले आ गए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से एवरेज वेलोसिटी, एक एवरेज वेलोसिटी का और फॉर्मूला गया यू प्लस वी अपॉन टू। नेक्स्ट इज, हमें वेलोसिटी जब चेंज होती है, आपने देखा कि हमें लगता है कि रोड पे कोई नहीं है, हम अपनी वेलोसिटी इंक्रीज कर लेते हैं, और जब हमें लगता है कि सामने से कोई आ गया हम अपनी वेलोसिटी डिक्रीज कर लेते हैं। सो हम अपनी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, इसे हम बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम आपकी क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है। क्या होती है, एक्सेलरेशन। अब नया एक और चीज आ गया आपके पास, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, आपकी एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला ए से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। चेंज कैसे निकाली जाएगी, जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो क्या है, यू, और आपने बाद में कितनी कर ली, वी। जो इनिशियल है वो क्या आती है, यू, यू इज इनिशियल वेलोसिटी, और वी इज फाइनल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी यू है, फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज कैसे निकालते हैं बेटा, चेंज कैसे निकालूंगी मैं, चेंज कैसे निकलेगी, फाइनल माइनस इनिशियल, रेट ऑफ चेंज सो डिवाइड बाय टाइम, दिस इज एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया वी माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन भी दो तरह की होती है, वन इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, सेकेंड इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होती है बेटा, जब वेलोसिटी इंक्रीज करती है, जब आपकी इंक्रीज वेलोसिटी होती है तो क्या आती है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और जब डिक्रीज वेलोसिटी होती है तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव, उसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव।
जब इंक्रीज इन वेलोसिटी होती है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जब डिक्रीज इन वेलोसिटी होती है उसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया वी माइनस यू अपॉन टी। रेट ऑफ चेंज, रेट मतलब पर यूनिट है। चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, वी अपॉन वी माइनस यू, अगर डिवाइड बाय टाइम कर दूंगी तो चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी इंक्रीज करती है, मैंने 60 टू 80 कर दी तो उसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जब मैंने 80 टू 30 कर दी तो डिक्रीज कर दी उसे बोलते हैं नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक और वर्ड यूज करते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए एक और वर्ड है, दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। देन व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का सभी देखो ग्राफ कैसे होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ हो, अब स्ट्रेट लाइन है। अगर आपका, अब आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है, व्हेन अमाउंट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जो आपकी इक्वल अमाउंट में चेंज होती है, जब इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज होती है पर यूनिट टाइम से बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे आता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। वेलोसिटी और टाइम के बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है और वो कर्व डाल है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में कर्व डाल है ग्राफ, तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब मैं थोड़ा सा आपको ग्राफ से सारी चीजें बताऊंगी। अब सबका ध्यान इधर होना चाहिए, मैं ग्राफ्स करवा रही हूँ, सबका ध्यान इधर होना चाहिए, ग्राफ है। अब इधर देखो बेटा, डिस्टेंस और टाइम के, जो भी सबके ध्यान इधर होना चाहिए, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ है और ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो ये किसके लिए होगा, यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन के लिए होगा, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन में कुछ भी लिख सकती हूँ। और अगर डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ है, इधर देखो, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ है, डिस्टेंस और टाइम में कर्व डाल है, नॉट स्ट्रेट लाइन, दिस इज कर्व, तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। इस केस में हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और मोशन, कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। अगर मैं डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ देखती हूँ, डिस्टेंस और टाइम के बीच में एंड लाइक दिस, मतलब टाइम तो इंक्रीज कर रहा है बट डिस्टेंस बॉडी मूव ही नहीं कर रही, दैट मींस कि ये किसके लिए है, द बॉडी एट रेस्ट के लिए, बॉडी एट रेस्ट के लिए, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। और अगर अब आपका देखो स्पीड या वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, तो ये किसके लिए होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के, दिस इज फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और आपको पता है अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ आ रहा है और वो नीचे आ रहा है, लाइक वेलोसिटी कम हो रही है टाइम के साथ, वेलोसिटी क्या आ रही है टाइम के साथ कम हो रही है, तो दिस इज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या नेगेटिव बोलते हैं, जैसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, दिस इज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए ग्राफ हो गया। और अगर आपका वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है और आपका ग्राफ क्या रहा है, कर्व, दिस इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर आपका वेलोसिटी और टाइम के बीच में ही ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है और आपका वेलोसिटी टाइम भी लाइक दिस है, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो दिस इज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, दिस इज फॉर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। जब कॉन्स्टेंट वेलोसिटी की वेलोसिटी चेंज नहीं होती, इस केस में याद रखना एक्सेलरेशन जीरो होती है, इस केस में एक्सेलरेशन क्या होती है, जीरो होती है। सो दीज आर दी ग्राफ्स।
अब बेसिकली हमारा इसके बाद क्या है, मैं ग्राफिकली आपको डेरिवेशंस कराना चाहता हूँ, ग्राफिकली डेरिवेशंस। सो ग्राफिकली डेरिवेशंस हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन, सेकेंड, थर्ड, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे ना। उसके लिए एक पर्टिकुलर बच्चे ग्राफ है जिसके लिए हम करेंगे। ये आपके बेटे इधर ड्रॉ हो चुके हैं, मैं इसको रब कर लू, नोट कर लो आप। ये आपके सारे ग्राफ्स आ गए, इसको आप नोट करेंगे। अब मैं डेरिवेशंस कराऊंगी हमारी इस चैप्टर में थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफिकली। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम सबसे पहले इसके लिए ग्राफिकली डेरिवेशंस के लिए ग्राफ बनाते हैं। इधर देखिए, सबका ध्यान इधर होना चाहिए, ग्राफिकली डेरिवेशन। इस तरफ आपकी वेलोसिटी है, इस तरफ आपकी क्या है वेलोसिटी, इस साइड पे क्या है टाइम, वेलोसिटी और टाइम। ये कुछ इनिशियल वेलोसिटी से यहां से कुछ स्टार्ट होगा, लाइक दिस ग्राफ में ए, दिस पॉइंट इज बी, लाइक दिस वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ। ये जीरो से नहीं स्टार्ट हो रहा रीजन से, कुछ इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट हो रहा है। तो जो ये होती है, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, से यू इस इज कॉल्ड यू इनिशियल वेलोसिटी। और जो इसके फाइनल होती है वेलोसिटी, उसको क्या बोलते हैं वी। जो फाइनली बेटे ग्राफिकली डिस्टेंस ऐसे पैरेलल जाते हैं, तो अगर मैं इसको नीचे यहाँ पे लेके जाती हूँ तो दिस इज डिस्टेंस इज वी आएगा। क्यों बेटा, ग्राफिकली डिस्टेंस पैरेलली क्या होते हैं इक्वल। मान लीजिए v इज 60 है, तो जितना ये डिस्टेंस है ये भी क्या आएगा सेम आएगा v, ये भी क्या आएगा v, ये u है तो ये भी क्या आएगा था u। अब मैं यहां से आपको बताती हूँ, इसको भी हम नाम दे देते हैं c d। इस साइड आपका टाइम है, इस साइड आपका ये क्या है टाइम, दिस इज दी टाइम। अगर ये डिस्टेंस u है बेटा ग्राफिकली, तो ये भी क्या आएगा u है, दिस इज ऑल्सो u। पैरेलली डिस्टेंस क्या आते हैं ग्राफ में u, दिस इज ऑल्सो u। और अगर ये v है तो दिस इज v, और अगर ये t है आपको पता है ये भी पैरेलली t होएगा। पैरेलल डिस्टेंसेस क्या आते हैं, नाउ वी स्टार्ट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं आप कौन कौन सी इक्वेशन डराइव कराऊंगी, फर्स्ट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डराइव करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। चलिए जी, सबसे पहले मैं आपको क्या लिखने लगी हूँ, ध्यान से देखो, बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, देखो ग्राफिकली, ठीक है जी। ये बी डी है, मैं इस बी डी को ये लिख सकती हूँ बी सी प्लस सी डी। बोलो बेटा बी डी क्या लिख सकती हूँ मैं, बी सी प्लस सी डी। अब आपको इधर से ग्राफिकली देखो, बी डी क्या है वी है, बी डी को क्या लिख सकती हूँ मैं वी, मैंने लिख दिया। बी सी मुझे नहीं पता, मैंने ऐसा टेस्ट लिख दिया, दिस इज बी सी, यस सी डी, यस आई नो सी डी इज यू, सी डी इज यू, दिस इज यू। अब आपको बी सी की वैल्यू नहीं पता, आपको पता है ए टू बी हो क्या रहा है, ए टू बी स्पीड इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। जब वेलोसिटी इंक्रीज करती है ये क्या है एक्सेलरेशन, क्या होती है एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी चेंज कर रही है, देखो ए टू बी वेलोसिटी चेंज हो रही है, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ये स्लोप है, ये लाइन का क्या है स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन स्लोप ऑफ लाइन, परपेंडिकुलर बी सी, परपेंडिकुलर इज बी सी एंड बेस इज ए सी, ए सी दिस इज ए एक्सेलरेशन। बी सी मुझे नहीं पता एज इट इज, ए सी ग्राफिकली देखो टी के इक्वल, ए सी किसके इक्वल है टी के, सो मैं इसको क्रॉस करूंगी, बी सी की वैल्यू क्या आ गई ए टी। अब ये मुझे पता ही लगे बी सी की वैल्यू क्या आती है ए टी, मैं यहाँ पे पुट करने लगी हूँ ए। अब मैं यू को आगे लिख लेती हूँ, वी इज इक्वल टू u plus at, this is first equation of motion, this is first equation of motion।
सो फर्स्ट इक्वेशन बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, वी इज इक्वल टू दिस, बी सी की वैल्यू नहीं थी, एक्सेलरेशन क्या था परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी सी, ए सी, ए सी की वैल्यू मुझे पता है दिस इज टी, तो बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी ए टी आ जाएगी. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. देन इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या पहले मैं वो लिख रही हूँ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. मैंने इसको डिराइव करना, एस क्या बेटा डिस्टेंस, एस इज डिस्टेंस, यू इज इनिशियल वेलोसिटी, टी इज टाइम, ए इज एक्सेलरेशन. इसमें एस क्या है, एस इज डिस्टेंस, याद रखना है एस क्या है डिस्टेंस, एस इज डिस्टेंस, ए क्या है एक्सेलरेशन, U क्या है इनिशियल वेलोसिटी, T क्या है टाइम. अब इसमें जब डिस्टेंस निकालते हैं ना ग्राफिकली, डिस्टेंस निकालने के लिए ये ट्राइंगल है और ये रेक्टेंगल है, ये आपको लग रहा है दिस इज रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल, दिस इज ट्राइंगल. सो डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या यूज करूंगी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल. आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, आपको पता है एल इंटू बी. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट. एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, एल इंटू बी मीन्स यू इंटू टी प्लस हाफ. ट्राइंगल का एरिया बेस कितना है ए सी, बेस कितना है ए सी, और इसकी हाइट कितनी है बी सी, हाइट कितनी है बी सी, बेस ए सी हाइट बी सी. सो दिस इज अगर मैं इसे इकट्ठा करती हूँ, दिस इज यू टी प्लस हाफ, ए सी की वैल्यू देखो ग्राफिकली देखो नीचे लिखे हो टी, दिस इज टी, और बी सी की वैल्यू मैंने निकाली हुई है एटी, इट्स एटी. तो एस के लिए क्या फॉर्मूला आ गया यू टी प्लस हाफ ए टी इंटू टी क्या हो जाएगा टी स्केयर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी. दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. नाउ वी डेराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. आपको पता है थर्ड होती क्या है, v square minus u square is equal to 2as. This is third equation of motion. First equation, second equation, third equation of motion. v square minus u square is equal to 2as. आप इसको ध्यान से देखो, मैं डिस्टेंस निकालने के लिए सेकेंड इक्वेशन में तो मैंने रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल लगाया, अब मैं इस केस में तो ध्यान से देखो मैं तो एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम भी लगा सकती थी, एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम. आपको पता है एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम क्या होता है, एरिया ऑफ ये ट्रेपेज़ियम भी बन रहा है, एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम होता क्या, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स. मैं इसकी पैरेलल साइड्स दिखाऊं, एक ये है एक ये, दीज आर द पैरेलल साइड्स, एक पैरेलल साइड ये अभी ओ ए, ट्रेपेज़ियम की क्या आ गई ओ ए प्लस पैरेलल साइड क्या आ गई बी डी, ओ ए प्लस बी डी, और इसकी हाइट कितनी आ गई ये आ गई ओ डी, हाइट इज ओ डी, दिस इज हाफ. ओ ए क्या है बेटा यू, बी डी क्या है वी, दिस इज वी, और OD क्या है T, दिस इज S, S इज इक्वल टू हाफ U प्लस V इंटू टी आ गया. आपको पता है एक्सेलरेशन अभी तो बताया था, एक्सेलरेशन क्या आती है आपकी, एक्सेलरेशन क्या आती है V माइनस U अपॉन T, तो क्रॉस करूंगी तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी V माइनस U अपॉन A. अगर मैं T को ऊपर ले जाती हूँ और A को नीचे तो V माइनस U अपॉन A आ जाएगी. सो दिस इज हाफ U प्लस वी, यहाँ पे क्या आ जाएगा V माइनस यू अपॉन ए. सो मैं इन दोनों को नीचे ऊपर ले जाऊंगी
टू ए एस बन जाएगा, टू और ए, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको पता है टू और ए तो क्रॉस करके ऊपर आ जाएंगे, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये ग्राफिकली आपकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन होगी, ग्राफिकली डेरिवेशन आगे ज्यादा। एक बिल्कुल लास्ट एक छोटा सा इसका टॉपिक रह गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब आप सर्कल में मूव करते हैं, बहुत लास्ट एक टॉपिक है सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब आप सर्कल में मूव करते हैं एनी बॉडी, जैसे क्लॉक मूव कर रही हूँ, एथलीट्स मूव इन दिस, आपका सर मूव अराउंड दिस अर्थ, सो जब कोई चीज सर्कल में मूव करती है तो उसे बोलते हैं सर्कुलर मोशन, और विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड अगर मूव कर रही है उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस केस में स्पीड का फॉर्मूला क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट सर्कल के केस में लेट इट बी सर्कल का रेडियस आर है, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस टू पाई आर अपॉन टी। तो इस केस में स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता है, टू पाई आर अपॉन टी आ जाता है। व्हेन बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, सर्कल में कहा घूम रही है, तो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म विद अ कॉन्स्टेंट, जैसे आपका फैन घूम रहा है विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड घूमता रहता है, डिस्टेंस कितना कवर करता है एक सर्कल में, टू पाई आर, आर इसका रेडियस है तो सर्कमफ्रेंस होगी ना बेटा, दिस इज टू पाई आर अपॉन, दिस इज द स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं व्हेन बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बट इन अ सर्कुलर मोशन, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर स्पीड, दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर आपकी ये। बट जब कोई चीज सर्कल में मूव करते हैं, एक चीज याद रखनी है, इज इट एक्सेलरेटिंग और नॉट, वो एक्सेलरेटिंग है कि नहीं है, उसकी कॉन्टिन्यूसली डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है, एक्सेलरेशन मोशन है। क्योंकि डायरेक्शन क्या होती है, जब आप सर्कल में मूव करते हो डायरेक्शन चेंज हो रही है, जब डायरेक्शन चेंज होती है इसका क्या मतलब है, चेंज इन डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रही है, जब वेलोसिटी चेंज होती है तो दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेटिंग, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेटिंग। जब डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है, जब वेलोसिटी चेंज होती है, चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटिंग। सो जो सर्कल में चीज मूव कर रहे थे इट्स ऑलवेज एक्सेलरेटिंग, इट्स ऑलवेज एक्सेलरेटिंग। तो यहाँ पे आपका लास्ट टॉपिक मोशन का डिस्कस होगा, क्लियर है जी, ओके जी, थैंक यू बच्चे, थैंक यू जी, यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका टॉपिक।